हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम हेतु संपूर्ण भारत में वैक्सीनेशन कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें बुधवार को स्थानीय रॉयल कॉलोनी स्कूल में नगर परिषद के क्षेत्र में वार्ड 51 का 18 के ऊपर के लोगों का निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन जिला प्रशासन व जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित किया गया। वार्ड पार्षद प्रकाश खत्री ने बताया कि वार्ड में कोरोना रोकथाम हेतु वैक्सीनेशन हेतु जिला प्रशासन को पत्र लिखकर अवगत कराया गया, जिसको लेकर बुधवार को जिला के प्रशासन ने रॉय कॉलोनी स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया। कैंप में वार्ड रहवासियों के लिए वैक्सीनेशन विशेष टीम सदस्य डॉक्टर वर्षा भाटी, एएनएम सुमित्रा शर्मा, पब्लिक हेल्थ मैनेजर मूल शंकर दवे, धनराज सोनी, निगरानी कमेटी टीम में प्रभारी कैंप नोडल अधिकारी बुराराम जांगिड़, बीएलओ विजय सिंह चौधरी, वेरिफिकेशन प्रभारी पूनम चंद खत्री, मनोहर लाल जांगिड़, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नीलम दवे ने कैंप में अपनी सेवाएं दी। पार्षद प्रकाश खत्री ने बताया कि भीषण गर्मी में वार्ड वासियों ने टीकाकरण हेतु बहुत ही ज्यादा उत्साह होने के कारण टीकाकरण समय अनुसार तय सीमा से पहले खत्म हो गया, जिसके चलते वैक्सीनेशन टीम व वेरिफिकेशन टीम के सभी सदस्यों ने बिना रुके थके वार्ड वासियों के वेरिफिकेशन व वैक्सीनेशन दोपहर 2 बजे से पहले 327 लोगों को लगवाकर संपन्न किया। वहीं वैक्सीनेशन में पुलिसकर्मी रतन सिंह, प्रेम सिंह, भोमाराम सहित वार्ड वासियों ने भी अपना सहयोग देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से वैक्सीनेशन कैंप को संपन्न करवाया। वहीं वैक्सीनेशन हेतु डोर टू डोर जनसंपर्क के लिए कपिल छंगाणी, अनिल सोनी, धनराज सोनी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। वहीं संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम होने पर पार्षद प्रकाश खत्री ने सभी का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया और वंचित रहवासियों के टीकाकरण हेतु जिला प्रशासन के पुनः विशेष कैंप द्वारा संपूर्ण वार्ड वासियों का वैक्सीनेशन करवाने का भरोसा दिलाया। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराराम मेघावल की रिपोर्ट।